जी वेलकम टू अनदर ब्लॉग ते। हाँ जी नमस्कार वालेकुम सलाम सत श्री अकाल होर की हाल चाल है। आप लिया आए थोड़े लिए एक और नवा ब्लॉग तो शाम के बज रहे अपने किन्ने यार छे हाँ देखो तो पुट्ठा दी ना वो सूँ तो शाम के बज रहे छे तो तुम मौसम देख सकते हो बहुत ही सुहाना सुहाना ठंडा ठंडा तो गर्म गर्म मिक्सअप जहा ठीक है मिक्सी ना रगड़ के मौसम बनाया वह रब ने तुम देख सकते हो तो बहुत सारा गुड मौसम मुंडियो एजे पलटू बंदे ने जमा देखो मोबाइल भी भन लिया मेरे हाले कोठे टे मोबाइल चक ला गे मुंडियो सामने है नी देखो मोबाइल तो देखो कि चक रखे दूजा कितने मोबाइल दूजा मुंडो देख लो एडा खतरनाक जिदा तुम देखा ना अपना बंदा डिग गया थले देख सकते हो आपू पुछते हैं की गल हुई दसो बी की हो गया तुम देख सकते हो खाल बहुत पतला है। ये मैं दरख्वास्त करना चाहता हाँ अपनी सरकार जिन्होंने इन्हें पतले खाल बनाया हूँ जो कोई बंदा है ना खाल तो तुरना चाहे भजना चाहे किमें भजूगा ये मैं सरकार बेनती करना चाहिए धमकी दिना भी आपके भाई खाल मोटे बना के जाता कि साडे रसीले वर्गे बंदे डिगन लत्त ना तड़ाउण साडी कणक ना मिदण ये मैं सरकार चेतावनी दिना बई स्लीपर पाया यार हूँ। हाँ जी तो गुड मॉर्निंग सारे तो अब सारे लगर पास में बेनती की जाती है तो पहला सारे पहला वीडियो की स्टार्टिंग करने तो पहला मैं सारे यार सॉरी मांगता ठीक है तो इस गलती यार मेरी भी नहीं ठीक है तो क्योंकि हम सब तो पहला मेरी आईफोन जी स्टोरेज ठीक है जी तक कमी है नहीं गई 128 GB बहुत बड़ा होंगे गा मतलब मेरा जरा सैमसंग का ना एज भी 64 GB है तो 32 GB चिप भी वधिया सरदा ठीक है मैनू तो जी दूजी गल है ना तो ये है कि भी जो मैं जी मतलब ब्लॉग बना लिया ठीक है ब्लॉग एडिट करता तो जो ब्लॉग में मैं एक्सपोर्ट कर जा रहा गा तो एक्सपोर्ट मतलब हो गया तो तकरीबन तुम लड़ो भी द मेरा हरेक ब्लॉग हम 10 मिनट का होंगे मेरा हरेक ब्लॉग सिर्फ 10 मिनट ही होंगे 10 मिनट तो घट जे पर 10 मिनट तो हजे तक बद नहीं हो तो मैं घटा भी दिना ना कि कहीं कोई MB की प्रॉब्लम हो ना तो दो दिन अज तो कल भी नहीं ब्लॉग पिया है ना मैं इतों तो कल सी 23 तरीक 23 तरीक न भी नहीं ब्लॉग आया पहुँचा थोड़े को 24 भी नहीं पहुँच सकया है ना तो चलो कल दिन चलो मैं काइन मास्टर से जो दसदा ना तो मैं जो मैं एक्सपोर्ट करता तो वह लाल लाल तुर पग गया है ना तुर जाके जो मतलब जितों एक्सपोर्ट खत्म हो 100% होकर है ना एक्सपोर्ट लिखा आ गया तो तुम मूहरों थंबनेल देख लिया ना आ चीज़ लिखी आ गई की एगन इग्रोर पता नहीं मैं ध्यान जरा पढ़िया नहीं है ना ये चीज़ लिखी आई थी तो यार मैं है ना जिन्या भी ऑप्शन आईफोन दियाँ सारिया मैं मतलब सैटिंग नहीं मतलब उत्थे जी अपने काइन मास्टर तक सपोर्ट कर दें वीडियो उत्थे सारी सैटिंग हल्ला हल्ला 60 से फ्रेम रेट 60 48 30 करके 30 तो पहले ही ठीक है उधर 4K 2K सारा 180p सब कुछ है ना फुल चढ़ के देख रहा लेकिन एक्सपोर्ट नहीं हुई तो मैं थले है ना एक होर चीज़ लिखी आँदी होंगी मैंबरी तो सूँ पता भी 9 GB फ्री पी आ तो उत्थे तो 40 GB मांगू फ्री पिया हाँ हाँ 40 GB मांगू फ्री पिया तो यार कोई MB की भी नहीं प्रॉब्लम है ना भी चलो सैमसंग कित कित मेरे ना हो जाता सभी है ना वीडियो सी मेरी 2 GB की तो 2-3 2.5 GB सिर्फ खाली भी कहते भी पहला मैमरी खाली करो है ना 1 GB खाली बद फ्री रहनी चाहिए उस तो बाद वीडियो एक्सपोर्ट करो लेकिन यार आईफोन तो चाहे जो कोई चक्कर ही नहीं क्योंकि 1 GB भी 60 MB खाली पी आ 40 GB मांगू खाली पी आ बाकी जो और भी बाकी मैंने पता भी ना कि क्लीयर कर देंगे तो मेरे हिसाब न यार हम कई मैटर ना तो कोई मोड़ ही पिकी चलिया है ना आईफोन से यह भी थोड़ी जी दिक्कत है तो आईफोन तो एंड्रॉयड फाइलों पहले मैं ये एक्सपोर्ट की ना घंटा मंगू घंटे मंगू तो लग गया है ना घंटा 2 घंटे होने वाले आ मैनू मत्था मरी ना मैं आईफोन के उत्ते हूँ तो मैं एक हल लगता है ना भी आप करते हैं फोन रीसैट ठीक है गलता हो जू सारा प्रॉब्लम सॉल्व मैं भी ऐ पता लग्या भी आप करते हैं फोन रीसैट तो रीसैट करना सारी जी प्रॉब्लम आ रही है ना। हाँ जी लो जी मुंडे तो इधर अपना जो आईफोन है ना तो उन्होंने अपनी करन होर करन दी हो रही है रीसैट की तैयारी चक्कर पता की हैगा तो यह सू बाद समझाऊ मैं ठीक है तो फिलहाल करते हैं आप रीसैट जोड़ा अपना मेन काम आ सैटिंग जाओ ठीक है तो जरनल इतने आप लास्ट जाना रीसैट इतने आहा तो आप भर देना लॉक ठीक है
आ गया ऑप्शन, तो इतने आप मार देना आह, तो आ चको लो भी मुंडियो होने लग गया अपने आईफोन का कम। ये मैं जितों फोन लेता सी ना पुराना लेता सी, तुहानू पता ही है उन्होंने रीसैट नहीं करके दिता, जिहड़ा पहला मालक सी यार इहदा उहदा पुराना डाटा भी इहदे विच ही पिया सी, इस करके मैंबरी का बहुत ज़्यादा दिक्कत होंदी सीगी। तो मैं जिन्हें पुछया कहिंदा रीसैट करके आपका नवा डाटा पाला यार, कहिंदा इन्नी मैंबरी तो वैसे भरती नहीं होंदी, मेरी तो सिर्फ चार पाँच फोटो सीगियां, होर तो कुछ नहीं सीगा, तो रीसैट छेती हो जू। चुको ओपन भी हो गया, ठीक हो हूँ ए हो जावा डब्बे चुक लिया जमें नवा नवा, ठीक है इदा हो जूगा फोन चल चल भी पाया रीसैट भाई ने एंड्रॉयड करते हमने जो घंटा घंटा फोन ला दिया घंटे तो वाद ही लग जाता मुंडे रीसैट जो आप फोन दूजे एंड्रॉयड करते हैं एप्पल थोड़ा जहा फास्ट आना लाऊ घंटा मुंडे वा देखो लैन जी आ गई लैन देखो तुर जाओ इधर मुंडे तुम देख सकते हो है ना। तो यार अपना जो आईफोन का मैं रीसैट रूसैट तो हो गया चलो ठीक है, तो हूँ मैं अपने फोन का कर रहा डाटा री डाटा बैकअप अपने एप्पल दे विच्चों अपने एंड्रॉयड चो एप्पल का कर रहे तुम देख सकते हो ना एंटर द कोड ऑन योर एंड्रॉयड डिवाइस। तो हूँ ये तो चलो हो गया हूँ मैं एंड्रॉयड चो ये डाटा सीटूँगा, तो हूँ ये है ना कोड मैं जो भरूँगा उन्हें मैं एक ऐप डाउनलोड करना पेगा तो मूव टू iOS ऐप ना था मैं है ना ऐप डाउनलोड करूँगा वो आ कोड भर के उदू बाद जो मेरा एंड्रॉयड सारा डाटा अपना ऐप वग जूगा। हाँ जी तो गुड मॉर्निंग सारे जी मैं आईफोन की है ना रीसैट करने की स्टोरी आ आ क्लिप के सारी दस दूंगा है ना, तो आह सूप तो दुबारा एंड कर दूंगा। तो पिछले दो तीन दिनों तो मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है ना, तो ब्लॉग मेरे शूट करे पे ने लेकिन आ नहीं रहे है ना, ये भी दिक्कत मेरे रीसैट के बचकार ही मतलब सारा कनैक्शन रीसैट ही आ गया है ना, तो हम डेली ब्लॉग भी आएंगे तो सब कुछ सही हो गया तो है ना रीसैट कर लिया बैकअप बुकअप सब कुछ कर लिया तो हम सूँ सीधा बाहर जाके मिलना। तो जी मैं आईफोन की है ना रीसैट करने की स्टोरी मैं दसदा सूँ, तो जोड़ा मेन रीजन है ना काइन मास्टर मतलब चलता रहा है ना ये सूँ पता ही है आईफोन के बच्चे ना कोई भी है ना मोड़ ए पी के वाला तो चलता ही नहीं मतलब मोड़ ए पी के जो मैं जिदा ला लो है ना, तो मैं कोई जमें एंड्रॉयड के मैं कर ला हूँ सीगा भी वाटर मार्क नहीं लगता हूँ टैग जहाँ नहीं लगता हूँ भी काइन मास्टर एक्सपोर्ट की गई है यही रीजन सगा मैं है ना मतलब हूँ भी चलो चलता था नहीं चलो कोई लड़ नहीं कोई मास्टर का टैग लग गया लग गया तो कोई बड़ा फर्क नहीं पैंता। तो आईफोन तो पहले तो मैं है ना रीसैट पहले तो मैं अपनी एप्पल आई डी जी साइन आउट किया साइन आउट हाँ साइन आउट करके उदू बाद फिर मैंने रीसैट किया तकरीबन अद्धा घंटा तो घट ही लगे मैंने एप्पल तो ज़्यादा टाइम ला दूजे सैमसंग एंड्रॉयड ज़्यादा लाऊँगा लेकिन एप्पल तो घट टाइम लगे मैंने वध लाऊगा तो लेकिन चलो हो गया है ना। तो उदू बाद फिर मैं हो गया तो मतलब उदू सब तो पहले मैं एप्पल की जी आई डी नहीं एप्पल आई डी नहीं बैकअप रिस्टोर डाटा बैकअप किया वो अपने एंड्रॉयड फोन के किया है ना मैं सूँ पता तो अपना उत्थे ऑप्शन होंगे होंगे ने भी कि तुम डाटा है ना एंड्रॉयड फोन चो बैकअप करना रिस्टोर करना गा तो उत्थे उन्होंने क्लिक करके तो अपना एक कोड नंबर आ जाता वो देखे हो जी करके दे कहीं करना होया है ना एंड्रॉयड के डाटा उत्थे अपना कोड नंबर आ जाता होंगे एक तो कोड नंबर एंड्रॉयड तो बहुत सोचते हो ना कितने भरना तो वो अपने प्ले स्टोर तो एक ऐप डाउनलोड करना पैदा होंगे मूव टू iOS वो ऐप से जाके है ना उत्थे फिर नंबर भर दे उदू बाद ऑटोमैटिक दोनों फोन जुड़ जाएंगे तो ऑटोमैटिक जो आप कंटिन्यू क्लिक कर देंगे सारा जो अपने फोन के एंड्रॉयड के डाटा हो जो आईफोन चलूगा वो सारा आईफोन के ऑटोमैटिकली जान लग जूगा तकरीबन दो ढाई घंटे लग जाएंगे मेरे दो घंटे वागू लग गए पूरे सही है ना वाद ही लग गए हो गए तो मैं जो मैं लाया दो तीन घंटे टाइम सगा लेकिन दो घंटे ही लगे ने तो एक लाइट नहीं सी करके तो चलो रीसैट हो गया सारी मतलब जितों मैं पुराना फोन लेता है ना लेता मैं दुकान तो ही पक्के ग्राहक हाँ मतलब तुम आप उन्होंने तो उन्होंने अपना फोन है ना रीसैट करा भुल गया उन्होंने तो मैं मतलब जो लेता मैं है ना सीधा अपनी एप्पल आई डी बना ली उन्होंने देता मैं आईफोन दिता जो अपनी कल आई डिया सारिया डिलीट करके देता आई तो मतलब होर समान तो है नहीं मतलब कुछ फिर भी जोड़ा मीडिया होंगे पुराना डाटा होंगे वो बिच ही रहता हूँ तो वो डिलीट कर ली फिर मैं रीसैट करना पेगा तो कम से कम 15-16 GB मेरी फ्री होगी जी ऊँ भरी पी फालतू है ना तो वह फ्री होगी तो बाकी आलतू फालतू ऐप जे मतलब ऊँ सब डिलीट करते तो हूँ फ्री होगी तो हूँ जो काइन मास्टर की दिक्कत जी आती सी मैं है ना आप पिछला अज ब्लॉग पाऊगा परसों का बनाया पाया वो अज पाऊगा तो वह भी थोड़ी मैं जानकारी दी हुई हैगी
ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੰਬਨੇਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਐਂ ਕਾਈਨ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੋਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟ ਆਈ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਆਈ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉੱਧਰਲਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੈਮਰਾ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਸ਼ੂਟ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਲਾ ਆਈਏ, 3% ਚਾਰਜ 31% ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 15% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਈਫੋਨ ਕੁਛ ਜਦੋਂ 20% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਐਂਡ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਹ ਵਲੌਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ।